आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। पीएम मोदी के बेंगलुरु रोड शो कार्यक्रम में बदलाव, 36.6 किलोमीटर का शो दो दिनों में करेंगे पूरा, लोगों की परेशानियों को देखते हुए किया फैसला। पीएम ने बेल्लारी में केरल स्टोरी फिल्म की चर्चा की, कहा आतंकी अब बम बारूद के बगैर ही समाज को खोखला कर रहे। शरद पवार ने चार दिन में इस्तीफा वापस लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोले मैं अपना फैसला वापस लेता हूं, इस दौरान अजीत पवार मौजूद नहीं रहे। भारत माता मंदिर के अभिषेक में शामिल हुए संघ प्रमुख भागवत बोले अखंड भारत सत्य एवं शाश्वत है। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला, पार्थ चटर्जी के सहयोगियों के ठिकानों पर सीबीआई छापे, नौकरी का वादा कर वसूलते थे रकम। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज के कार्यक्रम की बात करें तो सीएम योगी का आज कर्नाटक का चुनावी दौरा है। सुबह 10:30 चिमगलूर के कोप्पा में सीएम जनसभा करेंगे। 11:55 पर दक्षिण कर्नाटक के पितूर में रोड शो जनसभा करेंगे। वहीं 1:20 पर उडुपी के करकला में जनसभा और रोड शो करेंगे। वहीं 3:00 उत्तर कन्नाडा के भटकल विधानसभा में जनसभा करेंगे और 4:50 पर दक्षिण कन्नाडा के बंटवाल विधानसभा में रोड शो करेंगे। बता दें, जहां एक तरफ नगर निकाय चुनाव के लिए सीएम योगी ने पूरी ताकत झोंकती थी, वहीं अब सीएम योगी कर्नाटक में भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, जहां सीएम योगी आज कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे और तमाम जनसभा को संबोधित करेंगे। लखनऊ में बड़े मंगल पर जाम से निपटने की तैयारी हो रही है। बता दें कि शनिवार से श्रेष्ठ माह की शुरुआत हो रही है। 9 मई को पहला बड़ा मंगल है, जिसको लेकर मंदिरों में भारी भीड़ रहेगी। वहीं मंदिर प्रबंधन ने लखनऊ विश्वविद्यालय से इसको लेकर सहयोग मांगा है। 8 मई को रात 12:00 से 9 मई 12:00 तक मंदिर खुलेगा और लखनऊ के मंदिरों में बड़े मंगल की तैयारियां की जा रही हैं। अमरोहा जनपद के विंकटेश्वर यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग आईटी और मैनेजमेंट के 43 छात्र छात्राओं का देश की प्रतिष्ठित आईटी कंपनी अरेमा टेक्नोलॉजी लिमिटेड में चयन हुआ है, जिसके बाद यूनिवर्सिटी फैकल्टी में खुशी की लहर दौड़ गई। डॉक्टर राजीव त्यागी ने बताया कि 3 राउंड की कड़ी चयन प्रक्रिया के बाद 250 में से 43 अभ्यर्थियों का चयन कर कंपनी के एचआर मैनेजर और टेक्निकल हेड ने सभी को संस्थान प्रबंधन के साथ मिलकर ऑफर लेटर प्रदान किए हैं। ये अरोमा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड एक प्रतिष्ठित आईटी कंपनी है, जो मोबाइल में डिफरेंट ऐप डेवलप का काम करती है। ये भारत, जर्मनी, जापान, यूएस, यूके, नीदरलैंड समेत लगभग 2 दर्जन से देशों में अपना प्रतिष्ठान के स्थापित हैं। आज इस कंपनी के द्वारा एचआर पैन इंडिया कंपनी के सहयोग से ये कैंपस ड्राइव का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे आईटी मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग के लगभग 43 बच्चों का इसमें चयन हुआ विभिन्न पदों पर। 3 राउंड के कड़े चयन प्रक्रिया के बाद इसमें देवरिया जनपद के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के तिलई बिलवा गांव में वोट नहीं देने पर एक निर्दल प्रत्याशी ने एक मजदूर को जमकर पिटाई कर दी। पीड़ित का कहना है कि जब हम अपने लड़की के घर से वापस आ रहे थे, तभी निर्दल प्रत्याशी कृष्ण मोहन यादव ने रास्ते में घेर कर गाली देते हुए कहा कि तुमने वोट हमको क्यों नहीं दिया। इतना कहते ही कृष्ण मोहन ने लोहे की रॉड से हमारे सर पर प्रहार कर दिया, जिससे हम वहीं बेहोश हो गए। होश आने पर पीड़ित ने सदर कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। आरोपी पर पहले से भी थाने में कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस घटना की सूचना मिलते ही जांच पड़ताल में जुट गई है।
ये अपने घर पे थे, वो आया राड लेके, इनको गाली गलौज दिया कि चुनाव के में वोट क्यों नहीं दिए हो, तो कहा सुनी करते हुए अचानक राड से मारने लगा और हम मना कर रहे थे तब तक वहाँ से वो फिर अमित मिश्र रायबरेली में लखनऊ से इलाहाबाद जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस की चपेट में आई गाय की मौत हो गई। मामला ऊंचाहार रेलवे क्रॉसिंग का है, जहां इलाहाबाद लखनऊ से इलाहाबाद को जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस की चपेट में आने से गाय की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन गाय का शव इंजन में फंस जाने के कारण 25 मिनट ट्रेन खड़ी रही। सूचना पर पहुंची आरपीएफ ने लोगों की मदद से गाय के शव को ट्रेन के नीचे से बाहर निकाला, जिसके बाद ट्रेन को रवाना किया गया। वहीं इस घटना से यात्रियों में हड़कंप मच गया। उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।